देखने बेटे, बैंकिंग ऑफ रोड्स बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड्स में बेटे हमें सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द नीड फॉर द बैंकिंग बेटे, नीड फॉर बैंकिंग। और इन द केस ऑफ द नीड फॉर द बैंकिंग, आप इमेजिन कर लीजिए वी हैव ए लेवल कर्व्ड रोड बेटा, और लेवल कर्व्ड रोड पे आपके पास ही एक इस तरीके का सेटअप है, अरेंजमेंट है आपको दिया गया, और ये आपके पास के भी लेवल कर्व्ड रोड में किसी भी आपने इंस्टेंट पे ये अपने व्हीकल का जो है पोजीशन इमेजिन कर लीजिए, ये ड्रॉ किया है, आपका व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा है, जो डिफरेंट फोर्सेस आपके व्हीकल पे एक्ट कर रही हैं, इनका सबसे पहले वेट ऑफ द व्हीकल डब्ल्यू जो है एम इंटू जी के बराबर होगा, इट विल बी वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एंड जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बेटा, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटे उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बेटा। अगर हम इन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को बेटा ड्रॉ कर लें, प्लॉट कर लें, नॉर्मल रिएक्शन आर जो है ये एम जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बेटे एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड ऑन व्हिच योर व्हीकल इज बेटे मूविंग। अब आप क्या करिए बेटे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाई इक्वेशन नंबर वन, आपके पास आ जाएगा एफ अपॉन आर दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू एम इंटू जी, एम आपका बेटे कैंसल आउट हो जाएगा एंड आपके पास जो चीज बेटे बच गई है, लेट अस री राइट दिस बेटा, वी हैव बी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू जी दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, एंड बेटे जो फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है इसको हम बेटे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू कहते हैं, सो आपका बी स्केयर अपॉन आर इंटू जी जो है ये म्यू के बराबर आ जाएगा, एंड बी स्केयर विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू जी का रूट, या बी आपका इसके बराबर आ जाएगा। अब बच्चों इसमें बात नोट करने वाली ये है कि आपका जो वेलोसिटी है फॉर द सेफ टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड ये डायरेक्टली म्यू के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करा दिस फैक्टर का, सेकेंडली ये डिपेंड किया रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड पे कि कर्व का रेडियस कितना है, एंड थर्डली ये डायरेक्टली डिपेंड किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपका बेटे रेडियस ऑफ द टर्न तो आप बदल नहीं सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चौक पर सर्कुलर टर्न ले रहे हो और आप कहो कि वो चौक बड़ा हो जाए, तो बड़ा तो होगा नहीं, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, और जी भी नहीं बदल पाएगी किसी भी जगह पर, हमारे हाथ में सिर्फ म्यू है, हम म्यू पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज डायरेक्ट डिपेंडेंस है, अगर आपका म्यू ज्यादा होगा तो आप ज्यादा स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक के अक्रॉस टर्न कर पाएंगे, और अगर आपका म्यू कम है आपको अपनी जो स्पीड है उसको कम रखना पड़ेगा। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम अपनी ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करके चले हुए हैं, लेकिन हुआ क्या कि ऑन द वे आपने नोटिस किया कि बारिश जो है हो गई या कोई और रीजन की वजह से म्यू कम हो गया, अगर म्यू कम हो जाएगा हम अपनी कैलकुलेटेड वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, हमारा व्हीकल स्किड ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बेटे
म्यू एक रिलायबल फैक्टर नहीं है, बिकॉज पता नहीं है कि कब आपका वेदर जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए और आपके टायर्स और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्टर्ब हो जाए। सो उस केस में हम बिकॉज इस पर रिलाई नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम बेटे इस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए रोड्स की बैंकिंग कर देते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है आउटर एज ऑफ द रोड जो है उसको थोड़ा सा इनर एज के कंपेरेटिवली ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है किसी एंगल पर। अदरवाइज तो लेवल रोड ये है आपका, इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जो आपका बैंक रोड है उसमें ये स्लाइटली थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया जाता है एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज कॉल्ड बिट ए बैंकिंग ऑफ द रोड्स, एंड बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस म्यू अपॉन विच वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग, सो दिस इज द नीड फॉर द बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग रोड्स की जब आप कर देते हो तो आपका सेफ टर्न का वेलोसिटी कितना है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट विद इन ऑल। ये आपका अब सर्कुलर ट्रैक है या कर्व है और ये रोड आपका बैंक्ड रोड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपने बैंक्ड रोड लिया और बैंकिंग एंगल को आपने बोल दिया जी थीटा, थीटा एंगल पर आपने बैंकिंग कर रखी है। और इस केस में आपका व्हीकल इस तरीके से दिस इज ट्रेवलिंग डाउन द लेंथ ऑफ दिस कर्व रोड बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, इसमें वेट mg के बराबर एक्ट कर रहा होगा बेटा, और सेकेंडली आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फिस और द दिस पर्टिकुलर सर्फिस का, आप इसके कंपोनेंट्स बेटे ड्रॉ कर लीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन था, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस इज डियर चिल्ड्रन आर cos थीटा और ये बेटे आपके पास आ जाएगा जी आर साइन थीटा बेटा। ठीक है जी, मैं वो इसको थोड़ा डिटेल्ड में नहीं बल्कि ब्रीफली करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। आई मीन टू से दैट कि आर cos थीटा कंपोनेंट जो है इट विल ट्राई टू बी इक्वल टू एम जी और आपका जो आर साइन थीटा है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा एम बी स्क्वायर बाई आर। जब आप बैंक रोड नहीं ले रहे थे, लेवल रोड ले रहे थे, वहां पे आप इसकी जगह पर फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट थे, आपने फ्रिक्शन को इस कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया है और आइए देखें अब हमें क्या मिल जाता है। फिर बेटे लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस एज इक्वेशन नंबर टू बेटा, मैं टू नंबर इक्वेशन को वन नंबर इक्वेशन से अगर डिवाइड कर दूं आई विल गेट आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू बेटे एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम इंटू जी, एम आपका बेटे कट गया और आर आपका भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यू विल सी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटे टेन थीटा के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी और आर जी को आप इस तरफ एडजस्ट कर लीजिए, ले जाइए इस तरफ, आपका जो वी का स्क्वायर है इट विल बी बेटे टेन थीटा इंटू आर इंटू जी और v will be equal to square root of r g tan theta बेटे। सो बेटे प्रीवियस केस के साथ अगर आप कंपेयर करोगे उसमें tan theta की जगह पर म्यू आ रहा था, अब आपने क्या दिया, म्यू को आपने एलिमिनेट कर दिया और म्यू की जगह पर आपने tan theta कंपोनेंट जो है इंट्रोड्यूस किया है, where theta this is called the banking angle बेटे। बैंकिंग एंगल का मतलब है जितने एंगल पर आपने अपने इसकी एज को रेज कर रखा है इन कंपैरिजन विद द हॉरिजॉन्टल। सो एक बार देख लीजिए बेटे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, नमन जैकलिन अर्शप्रीत राघव रमन वंश गुरसिमरन बेटा दीक्षा हरमन अदिति प्रवदीप बेटा सारे स्टूडेंट्स बेटे सबको क्लियर है बेटा, शुड आई प्रोसीड अहेड बेटे देन। इसके बाद बेटे मेरे पास है
बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, एक मिनट उस पर भी लगा के देख लें कि बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट जो है वो क्या चीज है, और साइक्लिस्ट जो है वो बेंड क्यों करते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट क्यों बेंड करते हैं जब वो बेटा किसी पर्टिकुलर कर्व के अलोंग एक टर्न लेते हैं, दे जनरली लीन इनवर्ड्स बेटा। आइए थोड़ा सा देखें, इमेजिन कर लीजिए बेटा, दिस इज बेटा यूर बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। इसमें बेटे आपके पास एक आपका बाईसाइकिल है, इमेजिन कर लीजिए, और आप वर्टिकल के साथ एट एन एंगल थीटा, दिस इज ए वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल ड्रॉ किया है आपने, और दिस इज द एंगल एट विच आपने अपना साइकिल बेंड कर रखा है अंदर की तरफ जब आप स्पीड पर एक टर्न ले रहे हो। तो वेट mg जो है इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। आप इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लीजिए, r cos theta कंपोनेंट इधर आ जाएगा एंड r sin theta कंपोनेंट आपके नॉर्मल रिएक्शन का इस तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें देखिए r cos theta आपका जो कंपोनेंट है ये बेटे mg को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो यू विल से दैट r cos theta बेटे mg के बराबर है, और आपका जो r sin theta कंपोनेंट है बेटा ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे जो ये स्मॉल आर है ये बेटे सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है जिस सर्कुलर ट्रैक में आप अपना साइकिल टर्न कर रहे हो। सो आप अगेन इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से पूरा डिवाइड कर दीजिए, टू डिवाइड बाई वन जब आप करोगे आपके पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, this is equal to mb square upon r, और ये mg आपका as such आ जाएगा जी, और आपके देखिए अगेन एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आपका बन गया that tangent of angle theta it is b square upon r into g, और v का स्केयर बन गया r g tan theta and v is equal to square root of r g tan theta बेटा। तो इस तरीके से आप अपने टर्न की जो वेलोसिटी है आफ्टर बेंडिंग वो निकाल सकते हो बेटे, और आप अगेन देख सकते हैं म्यू यहाँ पे एब्सेंट है, म्यू की एब्सेंस में tan theta that is tangent of the angle at which you are leaning inwards that is taken into account, और हमने उस केस में बेटे आपने कभी देखा होगा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं मोटरसाइकिल की रेसेस होती है कई बार टीवी पे आप देखते हो, उसमें जब कोई टर्न आती है तो वो मोटरसाइकिलिस्ट बेटे ऑलमोस्ट ग्राउंड के साथ ही लग जाते हैं, लीन कर जाते हैं, दैट इज जस्ट कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस कंपोनेंट से लेना चाहते हैं। सो इन दिस वे बेटे आप इसको समझ सकते हो, राइट बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज द केस ऑफ वर्टिकल सर्कल। बेटे आइए थोड़ा सा इसको भी वर्टिकल सर्कल को फोकस करें, देखें और इसके बारे में समझें वर्टिकल सर्कल क्या चीज है और आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इन द वर्टिकल सर्कल का स्टडी कर सकते हैं। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल के अलोंग आप इमेजिन कर लीजिएगा ये आपका वर्टिकल सर्कल है जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा है इन दिस वे बेटा, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल जी, इसको आप ओ पॉइंट बोल सकते हो, ये आपका बेटे लोअर मोस्ट पॉइंट है और आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, एंड दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सेम बेटे,
और यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपके लोएस्ट पॉइंट को मैं वी एल कह देता हूँ, एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट को मैंने वी एच कह दिया, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इमेजिन कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है जब ये ऐसे मूव कर रहा है, इस पे जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी, इसका वेट एम जी दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा, और दिस इज द टेंशन, और आप एम जी को बेटे कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है दिस विल आल्सो बी थीटा, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हो आप, है ना? इट विल बी एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बेटे हो जाएगा इट विल बी एम जी साइन थीटा कंपोनेंट। सो ये आपका बेटा फ्री बॉडी डायग्राम आप कह सकते हो, जिसमें आपने अलग अलग कंपोनेंट्स अपने बना लिए। अब बेटे आप ये दो फोर्सेस को देखिए, ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, टेंशन एंड एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा। सो अगर बेटे देखो ये कंपोनेंट आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल फ्लाई अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर ये कंपोनेंट इससे बड़ा हो जाएगा देन इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल पार्ट फोर्स फॉर द मोशन इन द सर्कुलर ट्रैक। सो आई मीन टू से दैट टी माइनस एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा इट मस्ट बी एम बी स्केयर बाई आर बेटे, ये आ जाना चाहिए आपका। और एट द हाइएस्ट पॉइंट कम से कम टेंशन की वैल्यू जीरो हो सकती है, अदरवाइज अगर जीरो से भी कम होगी तो आपका वर्टिकल सर्कल स्लैप कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो एट हाईएस्ट पॉइंट एच बेटा टेंशन आपका जीरो हो सकता है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जीरो माइनस एम इंटू जी। और बेटे देखो जब आपका पार्टिकल ऐसे करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा एंगल थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा पहले यहां पे था अब यहां पहुंच गया, बट थीटा विल बी इक्वल टू बेटे 180 राइट। सो एम जी कॉस ऑफ 180 डिग्री इट इज इक्वल टू एम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और कॉस 180 आपका माइनस वन होता है, सो इट विल बी एम जी इज इक्वल टू एम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बेटा। और देखिए वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर जो है आर इंटू जी के बराबर आ गया जी बेटे, एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है इट इज आर जी स्क्वायर, ये इसके बराबर आ रहा है बेटा। सो इन दिस मैनर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपको याद होगा हमने बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज, सॉरी एनर्जी यूज किया था। आपका जितना एनर्जी यहाँ पे है टॉप पॉइंट पे है उतना ही एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे भी होना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी एनर्जी ऑब्जेक्ट की जो है एम जी एच आपका बेटे 2 आर के बराबर है, ये भी आर और ये भी आर, आर प्लस आर विल बी 2 आर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है इट इज 1/2 एम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर है, इट विल बी देयर, दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, इसको मैं ई लिख देता हूँ। अब एनर्जी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट बेटे कितना होगा, जब आप अपने इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक इमेजिन कर लेते हैं इट विल बी इक्वल टू बेटे 1/2 मास वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, और बिकॉज इट इज वेरी मच नियर टू द ग्राउंड आपका बेटे पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे हो गई है, ठीक है?
सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, आपके पास आ गया 1/2 मास वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज द स्फीयर, दिस इज इक्वल टू 1/2 मास वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्फीयर प्लस 2 mg एंड आर बटे, आप 2 से थ्रू मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट बिफोर दैट आपका देखिए एम कैंसल आउट हो रहा है दोनों तरफ, एम आप इस तरफ से कॉमन ले लीजिए ना वो कट जाएगा इसके साथ, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, बी एल का स्क्वायर बन गया वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 इंटू आर इंटू जी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलरेडी विद यू, इसकी वैल्यू यहां डाल दीजिए, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इट इज आर जी प्लस 4 rg बन गया जी बेटा, और जब आप ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे एट द लोएस्ट पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 r g के बराबर आपको मिल जाएगी। ठीक बेटे, कई बार एग्जामिनर कह देते हैं कि आप इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के बताइए, लास्ट टाइम आप लोगों ने निकाली भी थी इसको, पॉइंट को एम बोला था हमने, आपको याद है तो खैर सारे स्टूडेंट्स को, अब 1 मिनट में करके देख लीजिए, 1 मिनट आपको देता हूं मैं, सारे बच्चे करके देखो उत्तर, जैकलिन अर्शीन सॉरी अर्शप्रीत राघव रमन एंड वंश दीक्षा हरमन अदिति एंड प्रभदीप, अंजलि पहले थी अब नहीं है, चलिए एनी हो, सारे बच्चे बेटे आपका जो एम पॉइंट है ये वाला एग्जैक्टली मिडिल पे, पहले भी आपको आपने निकाला हुआ है ये बेटे, इस एम पॉइंट पर आप अपने ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, सारे बच्चे निकाल के देखो एक बार बेटे, आई विल आल्सो बी हैविंग द सेम, फिर आप अपना आंसर जरूर मैच करिएगा, सारे स्टूडेंट्स बेटे 1 मिनट लगाइए, ऑल ऑफ यू उत्तर, एम पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करिएगा। आई होप जल्दी कर लेंगे आप, आपने ऑलरेडी कर रखा है ये, वी आर जस्ट ब्रशिंग द थिंग्स रिवाइजिंग द थिंग बेटा, सो डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आएगी आपको, कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन, एम पॉइंट वहां पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, चलिए मैं भी करता हूं बेटे, आप भी साथ साथ कर लीजिए, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा बेटे, एट द पॉइंट एम आपके ऑब्जेक्ट के पास 1/2 मास एंड वेलोसिटी एट पॉइंट एम इतनी काइनेटिक एनर्जी है, एम जी एंड आर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट 1/2 mv एट लोएस्ट पॉइंट, इसका स्क्वायर कर दीजिए राइट। पहले तो मास दोनों तरफ आपका कॉमन है, इसको कैंसिल आउट करिए, अब आप टू इस टर्म को उधर ले जाइए, 1/2 वेलोसिटी एट एम का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी एट एल का स्क्वायर माइनस जी आर आ जाएगा बेटा, ये जी आर को उधर ले गए, और बी एल देखिए आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, इसमें पुट कर दीजिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बी एम का स्क्वायर बी एल का स्क्वायर माइनस 2 gr बी एम का स्क्वायर इज 5 rg माइनस 2 rg एंड बी एम आ गया √3 rg, और ये आप बेटे इस तरीके से अपना निकाल सकते हो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, सारे स्टूडेंट्स बेटे मैच कर लीजिएगा।
कई बार आपको बेटे टेंशन एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बारे में भी पूछा जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो मिनिमम वैल्यू आप जीरो ऑलरेडी कह ही चुके हो, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एम वी स्केयर बाई आर के बराबर हुआ करता है। पुत्र जी आपका लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टी एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस एम जी कॉस जीरो, इट इज एम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर आर, कॉस जीरो विल बी वन। इसको उधर ले जाइए सेकंड दूसरी राइट साइड पे, इट विल बी एम बी एट द लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाय आर प्लस एम इनटू जी आ जाएगा, और आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, वो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है बी एल की। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट बन गया एम एंड इट इज 5 R g, स्केयर रूट से स्केयर कट गया आपका, और आर ऐसे ही पड़ा है प्लस एम जी भी ऐसे ही पड़ा है, आर से आर भी कट गया। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट बन गया 5 R g प्लस, नहीं 5 mg, सॉरी आर जी नहीं, प्लस एन अदर एम जी। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट बन गया जी 6 mg। तो कई बार वो आपको कह देते हैं कि फर्क निकाल दीजिए लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का, दोनों ऑब्जेक्ट्स की टेंशन में कितना फर्क होगा, तो दैट विल बी टी एल माइनस टी एच, दिस इज 6 times mg या 6 times द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट बेटा, एक बार बेटे ये टेंशन वाला और ये वेलोसिटी एट पॉइंट एम वाला देख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, ऑल ऑफ यू बेटा, सारे स्टूडेंट्स बेटा इसको देखिए, और कोई डाउट वाली बात है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूं बेटे। हाँ जी बेटे, जैकलिन, अर्शप्रीत, पुत्र राघव, वंश, दीक्षा, फरमन, अदिति, प्रवीत, सारे स्टूडेंट्स बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए बेटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल बेटे। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वर्क, एनर्जी एंड बेटे पावर का कंसेप्ट आ जाता है। कंसेप्ट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल काम है, बट आइए फिर भी इसको रिवाइज करें, बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार, देन हम आगे चलेंगे बेटा। वर्क डन की जब भी आप बात करते हो बेटे, वी से दैट वर्क जो है इट इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स जो है दैट बेटे शिफ्ट्स आफ्टर यू अप्लाई द फोर्स। आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो अगर शिफ्ट हो जाए, वी से दैट की वर्क हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर रखी है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, आपने फोर्स एफ इस तरफ लगाया, और आपका ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक पहुंच गया, और इसने ए से लेकर बी तक एस के बराबर का डिस्टेंस लेके कवर कर लिया, देन वर्क डन जो है इट विल बी एफ इंटू एस हो जाएगा बेटे आपका। और सिचुएशन बेटे डिफरेंट तब हो जाती है जब आपका अप्लाइड फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल नहीं है। मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है इस तरफ दिस वे, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रखा है आपके फोर्स ने, तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एंड अलोंग द वर्टिकल इट विल बी एफ साइन थीटा कंपोनेंट। इस कंपोनेंट की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक शिफ्ट होके चला गया, और आपका वर्क डन इस सिचुएशन में आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाइड बाई बेटे डिस्टेंस कवर्ड एस एस सच। इनको टर्म्स को अगर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें, वर्क डन आपके पास आ जाएगा एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा
या आप वर्क डन को एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी कह सकते हो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इस दोनों टर्म्स का जो है ये वर्क डन आपको दे देता है। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा बेटे, आप कह सकते हैं कि आपका वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पॉजिटिव वर्क डन होगा व्हेन यू आर पुशिंग द लॉन रोलर ऑन द लॉन, देन थीटा विल बी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। एंड सपोज ए कूली इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एंड इज लिफ्टिंग ए लोड ऑन हिज हेड बेटा एंड इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, उस केस में फोर्स अप्लाइड इज वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट द डिस्टेंस कवर्ड इज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया अप्लाइड फोर्स और डिस्टेंस कवर के बीच में। और आप कह देंगे वर्क डन आपका एफ एस कॉस 90 इट मस्ट बी जीरो, मतलब इन द लैंग्वेज ऑफ योर फिजिक्स द पर्सन इज परफॉर्मिंग नो वर्क एट ऑल बिकॉज फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कवर्ड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कई बार हम ये भी बात करते हैं वर्क डन बाई द सेंट्रीपिटल फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर ट्रैक दैट इज ऑल्सो जीरो। ये अभी अभी हम देखो सर्कुलर मोशन की बात करके हटे हैं वर्टिकल सर्कल की, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर अफेक्ट करता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट मूव इधर कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बन गया, सो वर्क डन बाई द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी अगेन जीरो। तीसरी बात नेगेटिव वर्क डन की है, ये पीस ऑफ चॉक है अगर मैं इसको थ्रो कर दूं अपवर्ड डायरेक्शन में, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड जर्नी, सिर्फ अपवर्ड जर्नी के लिए कह रहा हूँ, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड जर्नी बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रादर दैट विल बी नेगेटिव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटा। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो बता दीजिए बेटा, एनी स्टूडेंट। ओके बेटे देन, थैंक यू ऑल बेटा।